और मीडिया में जो वहाँ पे बैठे हुए हैं कुछ, वो कहते हैं मोर लॉयल टू द किंग देन द किंग हिमसेल्फ, उन्होंने फौरन ही एक एक कहानी उन्होंने जो आके बनाई या उन्होंने पेश की कि रा का काम होगा। आपको पता होगा कि पाकिस्तान में जो आजकल घटनाएं हो रही है उससे पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा चिंता में दिखाई दे रहा है। जैसा कि आपको पता होगा कि पाकिस्तान में अफगानिस्तान के राजदूत की बेटी का जिस तरह से अपहरण हुआ और जिस तरह से उसे 3 घंटे पूरी तरह से अलग थलग रखा गया पूरी दुनिया से, उसे पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा सीरियस ले रहा है। पाकिस्तान को लग रहा है कि यह एक साजिश भी हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों के जाने के बाद पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है, उसे पाकिस्तान को संभल कर आना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान में आए दिन ऐसी घटनाएं अब आम हो चुकी है। पाकिस्तान में अब ऐसी हालत है कि यहाँ आम आदमी से लेकर अब खास आदमी तक कोई भी सुरक्षित नहीं है। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि जिस तरह से पाकिस्तान ने तालिबान का समर्थन किया है, आज उसी का नतीजा है कि पाकिस्तान में अब ऐसी घटनाएं आम बात हो चुकी है। दोस्तों आपको बता दें कि जिस तरह से पाकिस्तान अब पूरी तरह से पूरी दुनिया में अलग थलग हो रहा है, उससे पाकिस्तान के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान को FATF से ग्रे लिस्ट से भी निकलना है। हो सकता है अगर इसी तरह पाकिस्तान में नज़ारा रहेगा तो हो सकता है पाकिस्तान अब ग्रे लिस्ट से निकल कर सीधे ब्लैक लिस्ट में जा सकता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में देखिए किस तरह से पाकिस्तान मीडिया बता रही है कि यह हो सकता है साजिश भी हो सकती है कि अफगानिस्तान के राजदूत की बेटी को किस तरह से अपहरण किया जाए। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरह से पाकिस्तान मीडिया इस पर अपना रिएक्शन दे रही है। गवर्नमेंट ने अपने सफारतकार उसकी फैमिली को वापस में ला लिया है तो ये और उनकी एक टीम आ रही है, बिल्कुल उनकी तसल्ली करनी चाहिए और हमें भी तसल्ली चाहिए, उनकी भी तसल्ली चाहिए, दुनिया की भी तसल्ली चाहिए, क्योंकि इस तरह के वाकये के अंदर एक वाकया हो जाना और उसके अंदर किसी किस्म का लैप्स होना और कोई किसी किस्म की हमारी तरफ से ये नज़र आना, ये तासुर मिलना कि हमने तफ्तीश ठीक नहीं कही है और इस तरह का वो वाकया हुआ है। बाकी क्या वाकया हुआ है मैं अभी तक सिर्फ उनके वर्जन ही दिए हैं, मैं अभी भी जब तक ये वाकया नहीं हो जाता, ये भी गलत होता है कि आप दूसरी साइड को कंडेम करके, बिल्कुल है तफ्तीश होने दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 दिन 2 दिन 3 दिन लग जाते हैं। दुनिया के बड़े बड़े लंदन अमेरिका में भी जब तफ्तीश करते हैं कई दफ़ा देर लग जाती है, हसास मामले में जब तक पूरा रिजल्ट नहीं आता फिर ये देर से अवॉइड करना चाहिए। जी क्लास साहब, आमिर वतीन साहब ने जिस तरह कहा कि सेंसिटिविटी की अगर बात करें और अगर कोई सेंसिटिविटी का कोई पैमाना है तो वो ये वाक्या है कि इस पे यू नो हर तरह से प्रेशर है। एक वाक्या होता है जिसमें आप बैड गवर्नेंस की बात कर सकते हैं, लेकिन ये इस तरह का वाक्या है कि बैड गवर्नेंस अलॉन्ग विद इसकी जो इम्पैक्ट्स हैं अक्रॉस द बॉर्डर, हमें इसकी हीट फील हो रही है। तो अभी हमें बहुत ज़्यादा मोहतात रवैया इख्तियार करने की ज़रूरत है। जो इसके ऊपर अभी तक तफ्तीश हुई है या जो अभी तक इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन बढ़ी है या जितनी कार्रवाई हुई है, आपके ख्याल में तसल्ली बख्श है इस लिहाज से कि जिस तरह से ये वाकया जो है अभी तक फिगर आउट नहीं हुआ कि हुआ क्या है एक्चुअली? जैसे आमिर ने भी कहा है कि एक तो लोग इन द एक्सपेक्ट मिडल नहीं ऑफ, कर रहे थे हाँ कि आपका एक दिन पहले वहाँ पे अशरफ गनी साहब और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो इनके दरमियान वहाँ पे हीटेड एक हीटेड कह लें आर्गूमेंट हुआ, एक्सचेंज हुआ, वहाँ पे उन्होंने पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया अशरफ गनी साहब ने और फिर इमरान खान साहब ने जवाब दिया, वेरी नेक्स्ट डे यहाँ पे फिर इस तरह का वाक्य आया। और मान लेते हैं माजी में होते रहे, ज़्यादातर ये होते थे इंडिया रिलेटेड, इंडियन हाई कमिश्नर के यहाँ पाकिस्तान में लोग होते, वो शिकायत करते थे कि देखें हमें हैरेसमेंट का सामना करना पड़ गया है या हमें किसी ने कोई यहाँ पे कोई आके आते जाते जद्दोकोब किया है या बाज़ दफ़ा उठा भी लिया जाता है। और सेम पाकिस्तान जो है वहाँ पे जो पाकिस्तानी ऑफिशियल्स हैं उधर वहाँ पे हाई कमीशन में इंडिया में, वो भी यही शिकायत करते थे उनकी फैमिलीज़ के साथ जो है ना आके आके यही ट्रीटमेंट होता है। इसके तो आदि हो चुके हैं दोनों मुल्क जो हैं, कभी हमने इस तरह नहीं सुना, कोई वेस्टर्न कंट्री का नहीं सुना, कभी कोई अफगानिस्तान रिलेटेड ये इशू नहीं हुआ। अगर हुआ भी है इशू माजी में, अगर इस तरह के वाकयात भी हुए तो उसमें कोई लेडी या कोई फीमेल इन्वॉल्व नहीं थी, लिहाजा वो इशू जो थे वो डिप्लोमेटिकली यहाँ पे आके आके छोटे पैमाने पर हल कर लिए थे। अब जब इसमें आके अफगान एक एक उसमें फैमिली है, उसमें अफगान एक एम्बेसडर की साहबजादी है, बड़ा सेंसिटिव एक कल्चरली तौर पर भी देखें ना, आपको यह पता चलेगा अफगानिस्तान के सफीर की बेटी जो है वहाँ से ये इल्ज़ाम है उसको अगवा कर लिया गया है और इन द गिवन सिचुएशन किया गया है जब दोनों मुल्कों के दरमियान अच्छा खासा एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट है, तो बम शेल की तरह एक आया है लोगों को, हर एक के लिए हुआ है, यकदम के क्या हुआ है, कैसे हुआ है, किस तरीके का हुआ है। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत ने जो है एक एक यहाँ पर फौरी तौर पर हमारा जो मीडिया है और मीडिया में जो वहाँ पर बैठे हुए हैं कुछ, वो कहते हैं मोर लॉयल टू द किंग देन द किंग हिमसेल्फ, उन्होंने फौरन ही एक एक कहानी उन्होंने जो आके बनाई या उन्होंने पेश की कि रा का काम होगा, कि इंडियन रा जो है उसने ये काम किया है ताकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान जो है थर्ड पार्टी के जरिए कोई फ़ायदा उठाया जाए।
अब ये वो चीज़ थी जिसमें मेरा ख्याल हमारे लिए ज़्यादा एम्बेरसमेंट थी कि इस्लामाबाद जैसे एक शहर में, छोटा सा शहर है, रहा के अगर कोई एजेंट्स हैं वो आके इतनी बड़ी दिन दिहाड़े कार्रवाई कर सकते हैं, तो इट्स एम्बेरसिंग फॉर अस, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए एम्बेरसिंग है, हुकूमत के लिए हो सकता है, बाकी चीज़ों के लिए। सो मीडिया ने भी थोड़ा सा इसको वो क्या कहते हैं कि अपने कहीं ये देने स्पिन को उन्हें देने की कोशिश की है कि शायद किसी थर्ड वर्ल्ड की आके आके मुल्क की एजेंसी है उसने फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। लेकिन एक अच्छी चीज़ यह है कि जितना इस्लामाबाद पुलिस ने या हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, उन्होंने जितना जल्दी इन चीज़ों को निकाल के सामने लेकर आए कि कैसे कैसे उन्होंने आगे टैक्सी ली, किधर गए, किससे मिले, क्या उनकी वो चीज़ें हुई। एक चीज़ जो अब तक मेरा ख्याल है अब ये हुकूमत ने खुद जानबूझ के उसको उसको छुपा के रखा हुआ है, बाकी तो वो कह रहे हैं कि हम सब टैक्सी वाले जो हैं उनको हमने उनको ट्रेस भी कर लिया, पकड़ भी लिया, क्वेश्चनिंग भी कर लिया, लेकिन अब वो टैक्सी वाला इनको नहीं मिल रहा जो उनको दामने कोह लेकता गया है, जो अब तक सामने चीज़ें आ रही हैं। एक चीज़ जो बड़ी अहम की है उन्होंने, वो जो थी वहाँ पे उनकी बेटी साहबजादी जो थी, उन्होंने कहा कि मुझे गाड़ी में उसने ड्राइवर ने तीसरे बंदे को बिठाया और उस पर मैंने एतराज़ किया कि आप क्यों बिठा रहे हैं उस पर इनके आपस में बातचीत जो है ज़्यादा हुई तो उसने उनको मारा जो उनका आया है। अब इस मामले पे हुकूमत खामोश है, हमारी पुलिस खामोश है, हमारी एजेंसीज वो खामोश हैं जो मेन चीज़ है। अब वो बंदा जो है जो बैठा था वहाँ पे, वो जो कह रही है लड़की कह रही है कि थर्ड पार्टी या थर्ड बंदा बैठा है जिसकी वजह से सारा ये वाक्य है, अब वो मिसेंगे। अब वो ना हमें इस्लामाबाद पुलिस बता रही है, ना हमें वजीर दाखिला बता रहे हैं, ना वजीर आके आके हमारे ये जो फॉरन के वो बता रहे हैं, ना हमें कोई इंटेलिजेंस से वो आ रही हैं चीज़ें। वो मेन चीज़ यह है कि क्या वो ये जो बता रही हैं कि थर्ड बंदा बैठा गाड़ी में और उसने उन पर आके तशद्दुद किया, क्योंकि उन्होंने वो किया आगे उसको रजिस्ट कर, लड़के नहीं बैठने देते होते, हमेशा कहती होती हैं उबर वगैरह पे कि आप तीसरे बंदे को क्यों बिठा रहे हैं। और सम टाइम ये ड्राइवर ये हरकतें करते हैं इस्लामाबाद में उबर वगैरह के हवाले से, ये खासी आती हैं चीज़ें। अब जब तक वो तीसरा बंदा हमें आके नहीं मिलता तो चीज़ें मेरा ख्याल है मिस्ट्री में रहेंगी। इनकम्प्लीट है। और चौथी चीज़ ये है कि बाज़ दफ़ा जैसे आमिर ने कहा कि हुकूमत का काम होता है, क्योंकि ये थोड़े से वो ये उसमें दबाव में आए ना यकदम के इस्लामाबाद से आपका अफगान उस सफीर की ये बेटी का केस है, सो इन्होंने रिएक्शन दिया फौरी तौर पर, जो शेख रशीद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो हमने देखी या दीगर चीज़ों को। इन मामलों में थोड़ी सी आपको वहाँ पे होस्ट गवर्नमेंट को थोड़ी सी आपको उनको देनी होती हैं, आपको अश्योरेंसेस करवानी होती हैं। आपने उनके वो जो सफीर जो हैं उनको मुतमिन करना, जिस तरह की वार बनाई गई है मेरा ख्याल, और हमारे मीडिया की तरफ से यूट्यूबर्स में स्पेशली कहूँगा जिस तरह अनलीश किए गए हैं वो अफगानिस्तान के एम्बेसडर पे या उनकी बेटी के हवाले से जो क्वेश्चंस उठाए गए हैं वो थोड़ा सा ट्रेडिशनली तौर पर वो ठीक नहीं थे, वो मतलब हमें सूट नहीं करते थे, और हमने उन पर जिस तरह के सवाल उठाने शुरू कर दिए कि हमारी बदनामी हो रही है। दुनिया भर में ये वाक़ात हो जाते होते हैं, कोई ऐसी बात नहीं होती, अगवा भी हो जाते हैं वहाँ पर, इससे भी ज़्यादा असैसिनेशन खुदा ना खास्ता दुनिया भर में सफीरों की हो जाती हैं, दीगर लोगों की हो जाती हैं। आपको इन द गिवन सेंसिटिव सिचुएशन, एक ट्रेडिशनल सोसाइटी है या अफगानिस्तान की है, पश्तूनों की है, आपको थोड़ी सी केयर करनी चाहिए, लड़की के हवाले से करनी चाहिए थी, उनकी फैमिली के हवाले से। और जब तक तफ्तीश मुकम्मल नहीं होती थी हमें तोपे गन्ने लेके मेरा ख्याल इस तरह मैदान में नहीं आ जाना मैं चाहिए था। ऐड कर दूँ थोड़ा सा कि क्लास में बिल्कुल ठीक है कि ये वाकया जो है और उसकी तफ्तीश से बढ़ के जो है सारी लड़ाई जो है ना सोशल मीडिया पे जो है वो दो ग्रुप्स बन गए हैं, एक डिनाइल में एक बंदा एक ग्रुप है कह रहा है कि हुआ ही नहीं है, और दूसरा कह रहा है ये रॉ ने करवाया है, तीसरा कह रहा है कि जनाब वो ये उन्होंने फैसला नहीं करना, ये तफ्तीश ने करना है। और उसमें मैं कहूँगा कि मरियम बीबी ने जो कश्मीर के अंदर उसके ऊपर जो जलसे के अंदर जो बयान दिया था बहुत नामुनासिब था, सिर्फ ये इस हवाले से नहीं और भी बड़ी नामुनासिब उन्होंने वहाँ बातें की, मगर ये कह देना कि जलसे के अंदर के इमरान खान तुम्हें शर्म आनी चाहिए, अगर रुस्तम हो तो वो प्लीज़ दिखा दीजिएगा कि ये अफगान की ऑनर का मसला बना के, तहजीब ऐसे मौक़ों पर उनको भी इंतज़ार करना चाहिए। ये मामला जो है ये हर चीज़ के ऊपर गवर्नमेंट को मलाइन नहीं किया जा सकता, ये पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान की इज्जत और मफाद एट स्टेक होता है। इंतज़ार कर लें, ज़रा आने दें पूरी रिपोर्ट। मैं अभी भी फॉर एग्जांपल ओपिनियन देने पे कोशिश कर रहे हैं हम कि ना दें, क्योंकि अभी और भी सब तफसील है बीच में कुछ कुछ अभी जिस। तो जैसा कि दोस्तों अभी आपने इस वीडियो में भी देखा कि इस तरह से पाकिस्तान मीडिया बता रही है कि यह एक साजिश भी हो सकती है। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान में अब आए दिन ऐसी घटनाएं होना आम बात हो चुकी है,
क्योंकि पाकिस्तान वह एक देश है जहाँ पे आतंकवादियों का पालन पोषण किया जाता है, लेकिन यहाँ पर आम आदमी चाहे खास आदमी हो कोई भी सुरक्षित नहीं रहता है। इस तरह से पाकिस्तान में अब आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही है, उस पर पाकिस्तान मीडिया का कहना है कि पाकिस्तान जब से अफगानिस्तान से उलझा है तब से ऐसी घटनाएं बढ़ गई है। आपको बता दें कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों के जाने के बाद जिस तरह से पाकिस्तान पर यह एक आफत बनकर उभरा है उसका पाकिस्तान को भी अंदाजा नहीं था। पाकिस्तान सोच रहा था कि अमेरिकी सैनिकों के जाने के बाद वहाँ पर तालिबान का कब्जा हो जाएगा तो पाकिस्तान को ही फायदा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि जिस तरह से तालिबान ने अभी पाकिस्तान से जान छुड़ाना ही बेहतर समझा उसे पाकिस्तान पूरी तरह से अचंभों खा गया, क्योंकि उसे लग रहा था कि तालिबान का पाकिस्तान शुरू से ही समर्थन कर रहा था तो तालिबान भी उसे समर्थन देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जिस तरह से अब तालिबान भी पूरी तरह से पाकिस्तानी बॉर्डर पर अपना दावा ठोका है उसे पाकिस्तान भी काफ़ी ज़्यादा चिंता में पड़ गया होगा। तो दोस्तों आपको पता होगा कि इस समय पाकिस्तान पूरी तरह से अफगानिस्तान और तालिबान के बीच फंस चुका है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना रहने देते हैं, अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी एक ऐसे मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक दोस्तों आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।